सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए फाइक्सिन 125 एमजी रेडी सिरप्स, जो कि पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है। फाइक्सिन 125 एमजी रेडी सिरप्स का क्या यूज है, कब इसको लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए, ये लेने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकता है और किस प्रकार ये काम करता है, और बच्चों में दिया जाने वाला सिरप इतना यूजफुल क्यों है, तो फाइक्सिन 125 एमजी रेडी सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स, जो कि हमारे पास 60 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 92.15 यानी कि 52 रुपये के करीब इसकी MRP है। फाइक्सिन 125 एमजी रेडी सिरप्स को कैलेक्सो स्मिथ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। फाइक्सिन 125 एमजी रेडी सिरप्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल्स डाला गया है, जिसका नाम है सिपालेक्सिन 125 एमजी। फाइक्सिन रेडी सिरप्स का यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज सामान्य हल्के से मध्यम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। यह आपको गले, कान, मूत्र मार्ग या त्वचा या मुलायम कुछ बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के लिए इलाज में काम करता है। फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स का इस्तेमाल अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेट दर्द हो सकता है, रैशेस हो सकता है, अवपच हो सकता है, या फिर डायरिया हो सकता है, या भी आपको दस्त लग सकती है। तो इसको कंटिन्यू यूज नहीं करें, जब भी आपको इसका रिलीफ मिले तो इसको बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। फाइक्सिन रेडी सिरप्स 125 एमजी सिरप्स किस प्रकार काम करता है। फाइक्सिन रेडी सिरप्स, जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप्स है, यह बैक्टीरिया में प्रोटेक्टिव कवरिंग्स यानी कि सेल वॉल के निर्माण को रोककर काम करता है, जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह गतिविधि इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को और बढ़ने से रोकता है, इन्फेक्शन को आगे के इलाज के प्रतिरोधी बनाए बिना उसे फैलने से भी रोकता है। फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स आपको कोई भी मेडिकल या फार्मेसी या केमिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने पेडियाट्रिक्स डॉक्टर्स या डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स या फिर अपने जनरल फिजिशियन डॉक्टर्स से रिकमेंड करें या फिर प्रिस्क्राइब करें, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया है वहाँ पर बताएं। फाइक्सिन 125 रेडी सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।